What we're going to do, we're going to find out, find out the time period of the moon's rotation. Okay. So Hamara wala moon. Hai, we need to find out the time period of the moon's rotation. अच्छा जी नाउ बिफोर वी डू दैट आई नीड टू गिव यू सम वैल्यूज ठीक है थोड़ी सी छोटी सी डायग्राम ही बना लेता हूं यू ऑल नो दैट दिस इज योर अर्थ ठीक है एंड द मून इज समथिंग लाइक दिस ओवर हियर ठीक है एंड इट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ समथिंग लाइक दिस दिस इज योर मून actually now the distance between their centers distance the distance that is between their centers is approximately uh, 3.85 into 10 to the power eight it's approximately 3.85 into 10 to the power 8 earth ka mass i'm going to give you this as the data so this is the mass of the earth mass of the earth that is 6.0 into 10 to the power 24 and we have got mass of the moon that is uh, that is sorry अच्छा, so, सब तो सबसे पहले भाई अर्थ और मून दोनों हैं, दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट कर रहे होंगे यहां से पता चलता है कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो अर्थ विल हैव हाँ मोर डोमिनेंट इफेक्ट ठीक है सिक्स पॉइंट जीरो का मास मास्रोक्सीमेटली टेन टू मच मोर बिगर ठीक है तो अर्थ इज गोइंग टू बी मोर डॉमिनेट मून को अपनी है ठीक है बट हकीकत यह है मून भी अर्थ को अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा खेच रहा है ना अगर दोनों को खेच रहे हैं तो अर्थ और मून जाके एकदम चिपक क्यों नहीं जाते है? ऐसा क्यों नहीं होता Why is that not happening? So, कुछ हमने इस टॉपिक से पहले पढ़ा था कि अगर आपको सेंटर में जाके नहीं गिरना होता है तो यू अक्वायर सम ठीक है सर्कुलर मोशन तो आपका मून जो है दैट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ एंड अर्थ इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अट्रैक्शन है ठीक है दिस एफ जी दिस एफ जी प्रोवाइड वॉट दिस एफ जी प्रोवाइड दी नेसेसरी सेंट्रिपीटल फोर्स ये वाला जो आपका एफ जी है

एफ जी विल प्रोवाइड दी सेंट्री पीडल फोर्स अगर आपको मून का टाइम पीरियड निकालना है यस माहम योर करेक्ट एफ जी के लिए यू हैव वन फॉर्मूला दैट इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर ठीक है एंड एफ सी के लिए आपके पास क्या है यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वेयर एम आर ओमेगा स्क्वेर क्यू बिकॉज आपको निकालना है टाइम पीरियड और टाइम पीरियड यू नो ओमेगा ओमेगा इज टू पाई ओवर टी तो इधर इन दिस ओमेगा आई कैन कीप दिस थिंग ठीक है सो जी एम एम अपॉन आर स्क्वेर विल्वल्स टू एम आर एंड देन टू पाएर टी ठीक है आई एम डूंग दिस कैलकुलेशन वेरी वेरी केयरफुल ठीक है

एंड उसको ऐसे ही लेके चलेंगे सो जी एम एम अपॉन आर स्क्वे क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एम आर देन फोर पाई अपॉन टी एक्चुअली फोर पाई स्क्र ठीक है फोर देन पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया एंड टी स्क् टी स्क् हो गया

इसकी ये जो छोटा वाला मास है ठीक है ये वो वाला मास है जो छोटा इसके ठीक है थीके? जब हम ऑर्बिट ऑर्बिटिंग की बात कर रहे हैं तो बड़ा वाला फोर्स, हो, हो तो यही रहा है क्योंकि देखो न्यूटन कहता है न्यूटन लॉ कहता है यार अगर को अर्थ से खेच रहा है तो मून भी अर्थ को एफ से खेच रहा है ठीक है लेकिन क्या मसला अर्थ मून ऑर्बिट में नहीं घूम रहा

क्या कहते हैं जिसके गर्द वो चीज घूम रही है एंड छोटा एम विल बी वन जो है जो जिसके ऊपर आप उसको और बिल्ड टाइम निकालना चाह रहे हो ठीक है अच्छा मूविंग ऑनवर्ड्स यू कैन सी आई कैन कैंसल आउट दिस एम एंड दिस एम ठीक है एंड अब इसको थोड़ा सा और हम लेके चलते हैं इधर सो so, इधर अगर देखोगे सो दिस बिकम्स जी एम

एंड टाइम फिर क्या हो जाएगा टाइम इवेंचुअली विल बी द एक ही स्टेप में कर लेते हैं ऊपर इट विल बी द स्क्वेर रूट ऑफ दिस साइड ठीक है ना माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू होगी कि कैलकुलेटर नहीं निकाले अभी ठीक है मतलब अगर आपने इतना भी है तो अभी कैलकुलेटर निकाले पूरा बिल्कुल उसको फाइनल फॉर्म में उसकी लेके जाके कि जो चीज आपको जो निकालनी है वो कर करा के फिर आप चीजें डालना शुरू करो उसमें और फिर कैलकुलेशन करना शुरू करो अगर पहले से नंबर्स डालना शुरू करोगे फिर पहले से कट मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास से निकल जाए ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल करो सारा वेरिएबल्स में काम ठीक है वेन यू डन विद विदिनल थिंग फाइनल थिंग में उठा के चीजें डालते रहो ठीक है अच्छा जी सो इन आर क्यूब आई वॉन्ट टू पुट इन द डिस्टेंस दैट थ्री पॉइंट इन पावर एट सो दैट इज थ्री पॉइंट एट फाइव इन टू टेंथ पावर एट

So 6.0 into 10 to the power 24. Karne ke baad, all you got to do is square root the complete answer. Hai. So, mujhe jo hai calculator mein dalke, who will be giving me the complete answer to this? Okay, so Maham has given us the answer as 2.37 into 10 to the power 6. 2.37 into 10 to the power 6. दैट इज दी आंसर दैट माहम हैज गिवेन अस अच्छा अब मेक श्योर sure करो जब हमने जो है वो हर चीज एस आई यूनिट्स में करी है तो ये भी अपने नेचुरल एस आई यूनिट्स में आया है सेकेंड्स में ठीक है अब सपोज करो हमसे पूछ जाते हैं कि इसको आप हमें डेज में बताओ ठीक है, so let's try to convert this into days. So 2.37 into 10 to the power six seconds में है. सबसे पहले seconds को we will convert into a minute. So हम इसको 60 से divide करेंगे.

ठीक है आई एम गोइंग टू टेक दैट एज ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर लेते हैं अच्छा जी नाउ डनी वन रियलाइज कि इसमें बहुत सिग्निफिकेंस है ठीक है क्या होता है डजन द मून गो फ्रॉम अ न्यू मून टू अ अ अ फुल फुल मून मून टू टू न्यू अन ट्वेंटी एट डेज ठीक है ऐसा नहीं होता चौदह दिन में न्यू मून से फुल मून होता है फुल मून से न्यू मून होता है पूरा अट्ठाइस दिन में ठीक है सो इट गोज थ्रू अ होल साइकिल इन ट्वेंटी एट डेज एंड दैट वर्क आउट टू बी वेरी 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 क्लोज टू दिस आंसर ठीक है एग्जैक्ट क्यों नहीं है एग्जैक्ट इसलिए नहीं है बिकॉज मून का असल में सर्क्यूलर कंप्लीट ऑर्बिट नहीं है ठीक है ऐसा नहीं है कि अर्थ है और मून जो है उसके बिल्कुल सर्कल में घूम रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट ये सर्कल में घूम रहा है नहीं थोड़ा सा इसका इलिप्टिकल ऑर्बिट काइंड ऑफ है इट्स काइंड ऑफ लाइक इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट लेकिन खैर एज पार्ट ऑफ आर कैलकुलेशन जितनी हमें आनी चाहिए है द मून हमारे हिसाब से ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर डेज में कंप्लीट करने चाहिए उसकी रोटेशन और ऐसा ही होता है ट्वेंटी एट डेज में हम एक मून को न्यू मून से फुल मून फुल मून से न्यू मून और इस तरीके से ही हमारा जो है वो इस्लामिक कैलेंडर भी एवरी मंथ इज बीइंग काउंटेड ठीक है एनी प्रॉब्लम्स टू एनीवन कोई भी कंफ्यूजन इसमें द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू डिस्कस इज के यू ऑल नो ठीक है नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस डायग्राम दोबारा से के यू ऑल नो दैट दिस इज द अर्थ ठीक है एंड दिस इज द छोटा वाला हमारा मून प्यारा सा ठीक so, है ना बोथ आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट इन टू बनेगी इसमें भी अर्थ भी अट्रैक्ट करना चाह रहा है ठीक है अर्थ अर्थ बीइंग मोर मोर मैसिव विल हैव मच इन्फ्लुएंस सो के लिए कुछ ऐसा होगा ठीक है लेट्स ड्रॉ मून की थोड़ी सी लेस कॉन्सेंट्रेट तो ऑब्वियसली एक पॉइंट ऐसा लाजमी आएगा बीच में कैसा आएगा बीच में बीच में ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट सेंटर में आएगा ठीक है आई एम सेइंग समवेयर ओवर हियर कहीं ना कहीं एक पॉइंट जरूर आएगा ठीक है समवेयर ओवर हियर जहां पे मून जिस ताकत से खींच रहा है मून जिस ताकत से खींच रहा है उसी ताकत से अर्थ भी खींच रहा होगा एक पॉइंट लाजमी ऐसा आएगा जिस ताकत से मून अपनी तरफ खींचना चाह रहा है उसी ताकत से अर्थ भी अपनी तरफ उस पॉइंट पे खींचना चाह रहा होगा And then, obviously, मेरा बच्चा जब देखो सन का मास ज्यादा है अर्थ से ठीक है तो अंडरस्टूड है अर्थ और अर्थ का जब मास मून से ज्यादा है तो ऑब्वियसैक्ट है की अर्थ इज गोइंग टू अट्रैक्ट मोर देन द मून ठीक है सो दिस इज इन समथिंग यू नीड टू लाइक बी वेरी वेरी डाउटफुलिस कोई चीज नहीं है it's just, it's very simple. ठीक है अच्छा ना कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जहां पे ये दोनों इक्वल इसी तरीके से खेच रहे होंगे मून कह रहा है मैं खेच लूंगा अपनी तरफ अर्थ कह रहा है नहीं इधर आ जाओ मेरी तरफ आ जाओ ठीक है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा लाजमी कि दोनों का पुल जो है वो इक्वल हो जाएगा और वो चीज वहीं पर फंसी रह जाएगी ये वाला जो पॉइंट जहां पे बोथ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर इक्वल दिस इज नोन एज द नल पॉइंट ठीक है थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि नल पॉइंट क्या है Null point is the point the force the resultant force of gravity at this point is zero at this point is zero. जीरो <coughs> क्यों ये वाला एफ जी अगर मैं कहूं ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूं तो ये वाला एफ जी कैंसिल जीरो आ जाएगी आपके पास नेट फोर्स अच्छा नाउ लेट्स ट्राई टू वर्क आउट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस नल पॉइंट फ्रॉम द अर्थ एंड फ्रॉम द मून दोनों से निकालने की कोशिश करते हैं क्या डिस्टेंस आ रहा है एंड कैन एनीवन गेस नल पॉइंट एग्जैक्ट सेंटर में होगा या क्लोजर टू द अर्थ होगा या क्लोजर टू द मून होगा एनी सो वी हैव गॉट करेक्ट इट विल बी क्लोजर टू द मून देखो मून छोटा मास है, छोटा मास है 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 ठीक जब मून छोटा और अर्थ बड़ा मास है तो अर्थ चाहेगा कि जब अर्थ से जितनी चीज दूर होगी उतना उसकी कम फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी ठीक है विच इज ई मून को जो चाहिए मून को क्या चाहिए मून को ही चाहिए मेरे से ज्यादा करीब हो ताकि मेरी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा है अर्थ को क्या चाहिए अर्थ से दूर हो ताकि उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम आए ठीक है ताकि इवेंचुअली इन दोनों की फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी इक्वल हो सके एंड यू कुड गेट अ नल पॉइंट ठीक है लेट्स वर्क आउट दिस नल पॉइंट इस नल पॉइंट को वर्कआउट करने के लिए यू नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ विल इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मून ठीक है एक्चुअली नाउ अब इसमें हम थोड़ी सी चीज देखते हैं कि क्या होने जा रहा है यू नो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू वर्कआउट टू बी जी एम एम अपॉन आर स्क्वे ठीक है ये जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर है और ये क्या है ये भी जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर राइट कोई मुझे ये बता सकता है कि मैं बड़े एम में क्या रखू और छोटे एम में क्या रखू ठीक है आई एम गोइंग टू पुट इन दू हमारी डेटा थी पहले की वो भी ले आते हैं ये आ गया है हमारे पास मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द मून ठीक है एंड आई एम आल्सो गोइंग टू गेट डिस्टेंस दैट वाज 3.85 पॉइंट एट पावर एट ठीक है सो डिस्टेंस इज 3.85 पॉइंट एट फाइव इंटू पावर एट एक्चुअली सो माय क्वेश्चन इज के बड़ा एम किसका है छोटा एम किसका है एवरी वन इज कि बड़ा एम जो है वो अर्थ का है छोटा एम जो है वो मून का है ठीक है सब लोग यही कहना चाह रहे हैं बड़ा एम अर्थ का ले ले हैं, ले लेते हैं छोटा एम मून का ले लेते हैं एंड इज कंप्लीटली रॉन्ग ठीक है वाई इज दैट रॉन्ग इट इज रॉन्ग इसलिए क्योंकि ये वाला जो एम है ये मून का है इस वाली साइड ऑफ द इक्वेशन ये जो बड़ा एम है ये मून का है इस वाली साइड ऑफ इक्वेशन ये जो बड़ा एम है ये अर्थ का है ठीक है टारगेट बॉडी जब भी वेन एवर डिस्कस इन दिस केस जो बड़ा वाला एम है ना दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वट एवर टारगेट बॉडी ठीक है जिस भी वजह से आप कह रहे हो कि बड़ा वाला एम किस मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट कर रहा है तो बड़ा वाला एम इसी का होगा और अगर मैं इसकी बात करूं फोर्स ऑफ ग्रेविटी को एक्सर्ट कर रहा है तो बड़ा वाला एम इसका होगा ठीक है ना वट इज दी छोटा एम फॉर रिपीटिंग बड़ा वाला एम इस साइड ऑफ द इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अर्थ की है बड़ा वाला एम जो इस साइड ऑफ द इक्वेशन का है वो अर्थ का है ठीक है एंड जो इधर वाला बड़ा वाला एम है वो मून का है क्यों क्योंकि हम जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह रहे हैं हम कह रहे हैं यार ये अर्थ की वजह से ये वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ की वजह से तो ये वाला जो बड़ा वाला मास है ये वाला अर्थ का मास है हम ये वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह रहे हैं ये कह रहे हैं हम मून की वजह से तो मून की वजह से अगर है तो बड़ा वाला एम क्या है वो मून का एम है ठीक है आप ये निकालना चाह रहे हो कि वो किस पॉइंट पे आके नल पॉइंट पे आता है राइट दिस एम इज एनी टेस्ट मास जिसको आपने ऐसे पॉइंट पे छोड़ दिया है कि वो बीच में आके रुक जाए ये ना एम मून का था ना ये एम अर्थ का था ये जो छोटा वाला एम है ये कोई और सा एम है जिसके ऊपर हम वर्कआउट करना चाह रहे हैं कि ये नल पॉइंट पे आके रुक गया राइट दिस इज द स्मॉल एम जिसको हमने नल पॉइंट पे रखा हुआ है और उस पर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना चाह रहे हैं सबको बात क्लियर हुई एम इज जी फोर्स कॉज बाई एम इज जी फोर्स कॉज्ड ऑन ठीक है तो हम चलो इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं बिकॉज एफ वी वन इज दिस तो एम इज दास ड्यू टू विच यू आर कंसिडरिंग एफ जी ठीक है द कैपिटल एम इज द मास ड्यू टू विच यू आर कंसिडरिंग एफ जी और जो छोटा वाला एम है ठीक है जो छोटा वाला एम है दैट इज द मास ऑन विच यू आर एफ जी तो जिसकी वजह से चाह रहे हो वो कैपिटल वाला है जिसके ऊपर चाह रहे हो वो छोटा वाला है ठीक है तो इस केस में हम ना मून पे चाह रहे थे तो ना हम अर्थ पे चाह रहे थे हम एक छोटा सा मास जो बीच में छोड़ा हुआ है नल पॉइंट पे हम उस पर चाह रहे थे सो so was saying, कि बेस्ट अप्रोच इज टू डू इट लाइक दिस क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि ये G और G कैंसिल ये एम और ये एम कैंसिल और मैं थोड़ा सा जो है वो क्लियर कर देता हूं कि ये मास हो गया अर्थ का ये हो गया मास मून का ये वाला जो डिस्टेंस है earth, है ऑफ द अर्थ सल, अर्थ अर्थ ये डिस्टेंस से का लेके नल पॉइंट तक क्योंकि आप अर्थ से लेके नल पॉइंट तक की बात कर रहे हो इस मास के ऊपर जब बात कर रहे हो सो दिस इज दैट डिस्टेंस एंड ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला वो डिस्टेंस है जो नल पॉइंट से लेके मून तक के सेंटर का डिस्टेंस है ठीक है सो जस्ट कीप दैट इन माइंड तो अब अगर मैं मास ऑफ पुट इन कर दूट पॉइंट जीरो द पावर ट्वेंटी टू एंड देन डिवाइडेड बाय स्क्वेयर सो so, ये वाला आर स्क्वेयर अच्छा नहीं। नाउ इस वाले आर स्क्वेयर को अगर मैं ये कह देता हूं कि ये वाला डिस्टेंस ठीक है लेट्स कॉल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लेट्स कॉल दिस एक्स ठीक है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब आपको पता है कि यार ये वाला डिस्टेंस ठीक है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जब आपको ऑटोमेटिकली पता है कि भाई यह थ्री पॉइंट एट फाइव इंट पावर एट है पावर एट सो फिर क्या हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा दिस विल मेक बिकम थ्री पॉइंट एट फाइव माइनस एक्स राइट सो दिस वन ये जो ये वाला डिस्टेंस है दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम I'm going to write this over here 3.85 into 10 to the power 8 minus X so now let's put in everything the this one I'm going to put in as x square or dusra one I'm going to put in as 3.85 into 10 to the power 8 minus X and we have to put in squares on all sides actually अब दूसरी बात ये करते हैं कि दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं हमारे लिए और आसानी हो जाएगी लेट्स सेंड दिस ओवर देयर एंड लेट्स सेंड दैट ओवर देयर सो 3.85 इनटू 10 टू पावर 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर विल इक्वल्स टू 7.35 इनटू 10 टू द पावर 22 अपॉन ठीक 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 है 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 नहीं पर, हाँ, तो 24, तो अब आप इसको आपको वाली वो भी सब नहीं करने की जरूरत दोनों पे square root ले लोगे जब ये करोगे तो ये और ये कैंसिल और ये और ये भी ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्टेप जो हम इधर करने वाले हैं और वो क्या होगा वो ये होगा कि ये बन गया है क्या बन जाएगा सेवन पॉइंट थ्री फाइव इंटर टू अपॉन सिक्स पॉइंट पावर ट्वेंटी फोर स्क्वायर रूट लेते हैं ठीक है सो आई एम गोइंग टू राइट दिस वैल्यू डाउन ऑन द राइट हैंड साइड क्योंकि इसके बाद हम और कुछ नहीं कर पाएंगे इसको हम और लेके नहीं चल सकते इन पावर ये जो भी आएगा हम इसका स्क्वायर रूट ले, ले लेंगे so, ठीक है? और एक्स को आप उधर मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री पॉइंट एट फाइव इंटू टेन द पावर एट

ना <clears throat> हमारे पास क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है थ्री फोर सिक्स थ्री फोर फाइव एट टू थ्री फोर फाइव एट टू अगर मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहूं तो ये बन जाएगा थ्री पॉइंट फोर सेवन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ इन टू टेन टू द पावर एट दैट इज एक्स एंड एज हमने सस्पेक्ट किया था Earth से दूर होना चाहिए सो थ्री पॉइंट एट फाइव इन एट में से थ्री पॉइंट फोर सेवन इन एट क्या है वो अर्थ से लेके यहां तक है है। तो बच कितना, गया? बच हमारे पास से कितना बच है थ्री पॉइंट एट फाइव माइनस थ्री पॉइंट फोर 3.47 एंड दैट इज 3.85 minus 3.47. So that is about 0.38 into 10 to the power 8. It's called more appropriate like naho. It's called more appropriately like naho so to 10 to the power eight. Tha, and this becomes 3.8 into 10 to the power 7 meters. So moon say the distance is very, very close. लेकिन अर्थ से अगर देखोगे तो अर्थ से जैसे हमने बोला था इट शुड बी वेरी वेरी फार ऑल ऑफ योर कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग वर्क्स आउट टू बी लाइक दिस ठीक है एंड 2016 से 22 तक लेके यही सवाल एग्जैक्टली टू कॉपी टू वर्क आउट दी नल पॉइंट बिटवीन द अर्थ एंड द मून तकरीबन दो से 304 मतलब 2 टू 4 टाइम्स के बीच में एट लीस्ट टू एंड एट मैक्स फोर्ड मुझे से तरह से याद नहीं है बट यही एग्जैक्ट डिटोकॉपी सवाल जो है आपके पासवर्ड में आया हुआ है ठीक no है आई होप दे तो डू लेट मी नो